बोलो नहीं, कौन सा घोड़ा जीतेगा? बोलो समझे। वही घोड़ा जीतेगा जिस पर हमारा सिकंदर सवारी करेगा। ए जा जा, सिकंदर सवारी करेगा, हम तो अपनी मर्जी का घोड़ा लगाएगा। तुमको रेस तो सिकंदर जीत चुका है, अगली रेस के बारे में क्या ख्याल है? रेस चाहे कोई भी हो, जिस घोड़े पर मेरा यार सिकंदर बैठेगा वही जीतेगा, इसलिए कि मेरा यार सिकंदर मुकद्दर का सिकंदर है।
मोटे, ओ मोटे। जी भाईजान। अबे मेरा ख्याल है कुछ खाने वाने का प्रोग्राम बनाया जाए। प्रोग्राम तो बहुत शानदार है, पर इंतजाम थोड़ा मुश्किल है। क्यों? मैं जाके बाजार से ले आया। वो मेरे पास जो थोड़े से पैसे थे उसने मकान का किराया दिया, सब्जी वाले को पैसे दिए, फ्रूट वाले को पैसे दिए। अब लेस है कि मेरी जेब में सिर्फ 2 रुपए बचे हैं टिकटों के लिए। जी ये ले, 10 रुपए का इनामी बॉन्ड है, बैंक में जाके कैश करा और मेरे मुकद्दर पे दाव पे लगा दे। इतना खाना लाए मेरे पे सजा दे जितना 10 रुपए में आता। 10 रुपए की शानदार तड़के वाली दाल आएगी। अभी ले। ये हमसे कोई गलती हो गई क्या? क्या हुआ शेठ साहब? खुदा के वास्ते हमारा तो कोई प्राइस बार निकालो नहीं। प्राइस बार तो मुकद्दर वालों के निकलते शेठ साहब। तो हमारा मुकद्दर तो खुले 10,000 का प्राइस बार लिया, एक दमड़ी का भी नहीं निकला। गलती से एक आधा निकालो नहीं। क्या कर रहे और चाचा तुमने मुंह अंदर दिया हुआ, तुमने मुंह कैश करवाना। ए गेंडे का बच्चे तू कैश करा ले। चल लो भाई ये 10 रुपए का बोल लो और पैसे वापस करो। दस रुपए नहीं 11,000 कहो मेरे दोस्त। गेंडे के बच्चे होश में हो, क्या हो गया तेरे को? पैसा तुमसे भेज जो है। ओ चाचा मेरे यार सिकंदर का बॉन्ड निकल आया। उसे मुकद्दर का सिकंदर कहो मेरे दोस्त। ये लो दफ्तर करो। मैं करूं? रकम लो। हमारे घर तो कभी कीड़ा नहीं निकला, ये बॉन्ड कैसे निकला है? ये लो। मार मेरे यार, मुझे रईस कर दिया तुमने। छोटू भाई। हाँ छोटू भाई। ए मुकद्दर का सिकंदर कौन है? वो घोड़ों का मशहूर जैकी नहीं है सिकंदर? वो वही सिकंदर जो इस सीजन में जिस घोड़े पर बैठा वो जीत गया क्या? हाँ वही है। ये अपन मुकद्दर के सिकंदर को जरूर मिलेगा। देखो मेरा नाम सेठ पार्टी वाला है। सेठ पार्टी? हाँ, रकम हम लगाएगा, मुकद्दर उसका आजमाएगा। है पर मेरे को उसके पास ले चलो। थोड़ा समझे? कुछ नहीं समझे। चल बात चल भाई। सिकंदर साहब ये सेठ साहब आपसे मिलने आए, और वो जो मेरा 10 रुपए का बॉन्ड था ना उसका 11,000 रुपए इनाम निकला। 11,000 रुपए निकल सकता है? तुम तो मुकद्दर का सिकंदर है। देख रहे भाई, तुमने बांट लिया तो इनाम तुम्हारा निकला। तुम जिस घोड़े पर बैठते हो ना वो शुअर क्या जीता है। तुम तो मुकद्दर का सिकंदर है, हम तुमको बचाने छोड़ेगा नहीं। ये देखो ना 1,00,000 रुपया जीता तुम्हारा मंदी पर लगाओ, बांट लो और घोड़े पे लगाओ। ठेरा तो सही पर हमको डबल करके दो, 2,00,000 रुपया करके दो। डबल कैसे? मैं कुछ नहीं सुनता। तू मुकद्दर का सिकंदर है, तेरे को तो पता चाहिए। समझे? बस ये तुम रखो। देखो ना हमारा बेड़ा गलत हो गया है, तो तुम हमारा भेड़े को पार करो ना। हमारा हक का दौलत खत्म हो गया, हम करता हो गया, करता प्रॉपर्टी भी खत्म, सब कुछ खत्म। बोलो समझे? बस ये ले लो, अब ये तुम्हारा। हम जानता तुम ईमानदार आदमी है, हमको डबल करके देगा, फिक्र का कोई बात नहीं। बोलो समझे? हम चलते हैं बस। अरे सुनो तो। अरे हम सुनने का नहीं। वो तो पागल है। पागल है? मैं 1,00,000 की 2,00,000 आदमी बना दूंगा। ये समझो कि कुदरत ने तुम्हारी मदद की है मेरे यार। सेठ सरफराज को तलाश करने के लिए तुम्हें रुपए की जरूरत थी ना, वो तुम्हें मिल गया। अब ऐसा करते हैं, सेठ सरफराज को तलाश करते हैं और अपना इंतकाम लेने के बाद सेठ पाटली वाले को उसकी रकम वापस कर देंगे। तू ठीक कहता है यार, पैसे की मजबूरी आज तक मेरे इंतकाम की राह में दीवार बनी हुई थी, लेकिन अब इस दौलत के सहारे मैं सेठ सरफराज के करीब आन तक पहुंच जाऊंगा। आइए हजूर आइए। देखिए जनाब, ये बंगला यकीनन आपकी शान के मुताबिक होगा। पुरसकून माहौल, दीदा जेवराइश, पड़ोसियों के शोर गुल से महफूज, शहर के हंगामों से दूर, ये बंगला आपको अपने महल की तरह आरामदेह महसूस होगा। खबर हम हो गई ना? बंद करो ये ट्रांजिस्टर। किराया भी बहुत कम है हजूर। डीलर
सिर्फ डील करो, किराए का जिक्र करके हिफाजत की तोहीन ना करो। हम तुम्हें साल छह महीने का नहीं, क्यामत तक का किराया बतौर एडवांस दे सकते हैं। गुलाम हाजिर सुबह शाम। थैंक यू। ये मकान खरीद न लिया जाए? अभी नहीं सर, पहले कुछ दिन इस बंगले में बतौर टेस्ट रह के देख लेते हैं। अगर हर किस्म का सुकून मिल जाए तो फिर हिज हाइनस इस बंगले को खरीदने की इज्जत बख्शे। लीजिए, वो इस बंगले के मालकान भी आ गए हजूर। आइए आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, इनसे मिलिए। आप हैं मिस्टर सिकंदर प्रिंस ऑफ मिनर्वा, और आप हैं मिस्टर शराफत, और आप हैं मिस्टर सदाकर। आपसे मिलकर बेपना खुशी हुई है। आपका आना हमारे लिए खुशी का बायस है। गुलाम। यस सर। इन्हें 20,000 एडवांस दे दो, हम सही जगह पहुंच गए। नहीं, इसकी क्या जरूरत है आलम ना? और सरकार, एडवांस तो उन लोगों से लिया जाता है जो बेतबारे हो। आप तो माशाल्लाह। हम क्या हैं और क्या नहीं तुम्हें क्या पता? अगर आप लोगों को पता चले आप बेहोश हो जाए, आपको मिर्गी पड़ जाए। मुझे इजाजत है सरकार। गुलाम। यस सर। ये हमें सही जगह ले आया, इसे 5,000 इनाम दे दो। बंदा परवरी है सरकार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी चीज की जरूरत हो सरकार, तो हम आपके पड़ोस में रहते हैं। हमें आपका पड़ोसी होने का शर्फ हासिल है हुजूर। अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो बता दिया जाए। खुदा हाफिज। इन बेवकूफों को क्यों घूर घूर के देख रहे हैं? मैं अपने माजी की दुश्मनी देख रहा हूं, दिल पर लगे हुए जख्म देख रहा हूं। एक दिन इन छोटी जबानों ने मेरा घर बर्बाद किया था। इनके मकरूह चेहरे आज भी मुझे याद है। इस तस्वीर को गौर से देखो। ये मेरे माँ बाप और भाई की तस्वीर है। इन दोनों झूठे गवाहों ने मेरे बाप को अदालत में ले जाकर उनका सब कुछ छीन लिया। सरताज, आप अदालत से इल्तिजा करें, और मैं खुदा से दुआ करूंगी कि इस दुनिया में सच का बोलबाला और झूठ की जिल्लत हो। तो ही फिक्र ना करो बेगम, अगर सरताज की दोस्ती ने हमारे एतबार को डसा है तो क्या हुआ? इंशाल्लाह हमारी जुबान अदालत के सामने सच को सच और झूठ को झूठ कर दिखाएगी। मगर मैंने तो सुना है सरफराज ने आपके खिलाफ तो झूठे गवाह तैयार कर रखे हैं। इन पेशेवर गवाहों की झूठी जुबान सच की मौत नहीं बन सकती बेगम। खुदा ना करे अगर अदालत ने उन झूठे गवाहों की गवाही को सच मानकर कोई गलत फैसला कर दिया तो फिर क्या हुआ बेगम? इस जमीन की अदालत से ऊपर आसमानों पर भी तो एक अदालत है। अगर हम यहाँ हार गए तो क्या हुआ? इंशाल्लाह वह जीत हमारी होगी। आज मैं आपके साथ अदालत में जाऊंगा। जनाबे वाले, मैं आज आपके सामने वो दो गवाह पेश करना चाहता हूँ जो शहर के मौजूद और शरीफ लोग, और उनको पेश करने से पहले मैं आपको ये दस्तावेज दिखाना जरूरी समझता हूँ। जनाबे वाले, इस दस्तावेज में खास तौर पर लिखा हुआ है कि अकबर के कारोबार में शेर सरफराज बराबर के हिस्सेदार थे, और अकबर के पास रुपया न होने के सबब वो इस कारोबार से खबरदार होता है, और नुकसान होने की वजह से अपनी तमाम जायदाद और एहसासे को शेर सरफराज की लगाई हुई रकम के एवज उनके नाम मुंतकिल करता है। जनाबे वाला, आज मैं वही दो गवाह आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिनके दस्तखत इस दस्तावेज पर मौजूद है। उन दोनों गवाहों को पेश किया जाए। अस्सलामुअलैकुम। जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। हम जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ न कहेंगे। ये तहरीर तुम्हारे सामने लिखी गई थी? तहरीर तो बहुत बात की बात है अलीजा,
ان کاغذوں کو میں خود پرانی انارکلی سے خرید کے لایا، بلکہ یہ تحریر میرے اس قلم سے تمہاری بھتیجی اسکول لے گئی ہے، اس سے تحریر کی گئی تھی۔ اس تحریر پر تم دونوں نے بطور گواہ دستخط کیے تھے؟ جی ہاں۔ اکبر نے اپنی خوشی سے دستخط کیے تھے؟ بڑی خوشی سے جناب، جس وقت یہ دستخط کر رہے تھے تو بے پناہ ہنس رہے تھے علی جا۔ جناب والا، میرے خیال میں اب اس تحریر کے بارے میں مزید کسی تفتیش یا گواہی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ سیٹ اکبر، عدالت کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا ضروری سمجھتی ہے کہ اب آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جج صاحب، ان دو شریف اور معزز لوگوں نے خدا کو حاضر اور ناظر جان کر یہ کہا ہے کہ اس تحریر پر میرے دستخط ہیں۔ جج صاحب، میری ساری جائیداد، میرا سارا اثاثہ سیٹ سرفراز کے نام کر دیجئے، لیکن خدا کے واسطے ایسے جھوٹے گواہوں کو پھانسی دے دیجئے جو خدا کا نام لے کر نہ جانے کتنے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ عدالت پورے غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مدعی سیٹ سرفراز کا دعویٰ درست ہے، لہذا اس تحریر کے مندرجہ ذات کو تسلیم کرتے ہوئے مسٹر اکبر کے تمام احساسوں اور جائیداد پر سیٹ سرفراز کا قانونی حق تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہماری جھوٹی گواہی نے اندھیرے کو اجالا، پتھر کو سونا اور جھوٹ کو سچ بنا دیا ہے۔ شیخ صاحب، اگر ہم دونوں انگریزوں کے زمانے میں ہوتے تو یقیناً خان بہادر، رائے صاحب یا سر کہلاتے سر۔ بھائی صداقت، ہمارے پیارے شیخ صاحب بھی تو کسی انگریز سے کم نہیں۔ ہم تمہیں تمہارے جھوٹ کی قیمت کے علاوہ 50,000 روپے انعام بھی دیں گے۔ پہلے اپنے گریبان میں کھا کر ضرور دیکھ لو، تمہیں اپنے سینے پر ایک تو کے اعتبار کا خون نظر آئے گا۔ تم اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں وہ سچ کہنے آیا ہوں جسے آج تم نے اپنی جھوٹی زبان تین تلواروں سے مار ڈالا ہے۔ سرفراز، تم میرے دوست ہیں، میں نے تمہیں اپنے کاروبار میں شریک کیا، اپنا پارٹنر بنایا، اب تم نے جھوٹے ایگریمنٹ بنا بنا کر میری ساری جگہ کا پتہ کر دیا۔ یاد رکھو سرفراز، انسان جو چاہے جھوٹ لے، جو چاہے چھین لے، لیکن جب وہ مرتا ہے تو کفن میں اس کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ اکبر، تم جیسے بیوقوف لوگ جو اپنا ہر رات اپنے کاروبار کا ہر سلسلہ دوسرے کے حوالے کر دیتے، ان کا یہی انجام ہو گیا جو آج تمہارا ہوا ہے۔ تمہاری آواز اس دیواروں سے باہر چلی گئی، تم لوگ دوست کے رشتے پر ایک بار کرنا چھوڑتے ہیں، تمہارے منہ پر چھو گئی ہے۔ جھوٹ سچ کے پاؤں میں Thank you.
इसके बाद मैं जिंदगी के राहों में खाक की तरह बिखर गया। माँ और भाई कहाँ गए मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने इस झूठी दुनिया को झूठ से शिकस्त देना सीख लिया है। आज ये दो चेहरे मेरे लिए वो रास्ता बन गए जो शायद एक दिन मेरे इंतकाम को सरफराज की शहरत तक मुझे जो रूप धारना पड़ा मैं धारूंगा। इस मुकाम से गुजरना पड़ा मैं गुजरूंगा। हाँ भाई सब ठीक ठाक हो रहा है? हाँ शाबाश शाबाश। ये मेज इस तरफ रखो जरा और देखो ये लाइटिंग ठीक होनी चाहिए। मैनेजर ऑफिस से पहले पहले सारी तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए। हो या बदमाश? अबे आप किसी समग्र की औलाद। मुझे इन दोनों नामों से नफरत है। लोग मुझे राजा कहते हैं। राजा यहाँ किस लिए आए? सुना है कि तुम इस शहर में कोई नाजायज काम करते हो और अब इस होटल की यार्ड में भी कोई बहुत बड़ा काम करने वाले। मतलब की बात करो, तुम क्या चाहते हो? 1000 रुपया महीना। 1000 रुपया महीना किस लिए? ये कि इस शहर में कुछ यतीम गरीब और बेआसरा लोग रहते हैं। उनका पेट भरने के लिए मैं तुम जैसे लोगों से मांगता हूं। अगर कोई मुझे मांगने के पास न दे तो मैं छीन लेता हूं। दाओ 1000 रुपया दो। मैं ये फैला हुआ हाथ समेट लो वरना ये हाथ मैं काट भी सकता हूं। किसी कसाई की औलाद। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैनेजर राजा को 1000 रुपया दे दो। दवाई माई जी खत्म हो गई। दवाई और आ जाएगी। राजा बेटे? जी माँ, जब तक जी चाहे जी, मेरे जीते जी मेरी दवाई थोड़ी सब नहीं होगी। खुदा मेरी भी उम्र तुझे लगाए। ओ चुड़ैल, इतनी बड़ी उम्र में नंगे सर बैठी है। राजा भैया मेरा दुपट्टा फट गया। तो तूने मुझे क्यों नहीं उठाया? ये कैसे? फटाफट जाके 10-20 दुपट्टे ले आ। चल भाग अब यहाँ से। अब मैं तुझे कभी नंगे सर नहीं देखूं। अच्छा बहुत दिनों से कोई झूठी गवाही का केस नहीं आया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं हमारी जबानों को सच बोलने की आदत ही ना पड़ जाए। हाँ वो दिन कभी नहीं आएगा जब हमारी जबानें सच बोलेंगी और फिर बहुत जल्द हमारे दिन फिरने वाले। मेरा तो ख्याल है कि तुम्हारा दिमाग फिरने वाला है। ओहो मेरा इशारा प्रिंस सिकंदर की तरफ। वो लंबा आदमी है, उसकी अकल भी यकीनन गिट्टों में हो। हाँ
लिहाजा उस पर सवारी बआसानी हो सकती। वैसे मैंने ये भी सुना है कि ये जो बकरिन से लोग होते हैं ये तबन अय्याश होते हैं और लूज कैरेक्टर के मालिक होते हैं। क्या मतलब? यानी अब हमें गवाह से दलाल बनना पड़ेगा? ओहो शराफत भाई, मकसद ये है कि ये सोने का अंडा बच करना चाहिए, किसी न किसी तरीके से हमारे फ्राई पैन में आ गए। और मैं ये सोच रहा हूं कि ये अंडे वाला फ्राई पैन कौन से चूल्हे पे रखा जाए, कौन सी अंगीठी पर रखा जाए और कौन से स्टोव पर रखा जाए। चिंते मत तोड़ा। डैडी, पापा, आज हम तुम्हें क्लब की ओपनिंग है। हाँ, उसने हमें भी बुलाया और आपको भी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम भी चलेंगे। वहाँ सारे शहर की क्रीम आ रही। क्रीम? फिर तो हम भी स्लाइस लेके चलेंगे। स्लाइस ले जाने की क्या जरूरत है भाई, उस अंडे को वहीं लिए चलते हैं, मुमकिन है वो वहीं चला जाए। कौन सा? गंदा अंडा नहीं, सोने का अंडा। प्रिंस सिकंदर की बात हो रही है। कौन प्रिंस सिकंदर? ओहो बेटी, वो हमारी कोठी में बतौर किराएदार आज ही आए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रिंस हमारे साथ उस पार्टी में जाएगा तो हमारा कितना तहका हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि साथ ही इन बच्चियों का दिल भी बहल जाएगा। चलो अभी चल के उसके साथ बात करते हैं। कम आओ। अरे मोटे, ओ मोटे, इंद्र सुभानी, आपका पाइप सो रहा था, पिस्टल समेत उठा कर ले आया हूँ। अबे, तू तो नस्लन गुलाम लगता है। पर खुदा, हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने असूलों के गुलाम हैं। ओहो, लेकिन ये हुलिया बदलने की वजह क्या है? सिकंदर साहब, आपस में रहसल अच्छी होती है, पब्लिक में फूट होने का खतरा नहीं रहता। क्या हम अंदर आ सकते हैं? यकीनन यकीनन, मरहबा मरहबा, अहलन व सहलन, तशरीफन तशरीफन। अस्सलाम अलैकुम। ये मेरी बेटी स्वीटी है। माशाल्लाह। और ये मेरी बेटी लिली है। इंशाल्लाह। क्या आप दोनों की सिर्फ एक एक ही बेटी है? जी हाँ। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हुजूर, इस गुलाम से एक डब्बी गोल्ड लीफ की मंगवा दीजिए। दरअसल ये स्मोकिंग बहुत ज्यादा करती है। हम आपको दावत देने के लिए आए। दावत? कैसी दावत? आप हमारे साथ आज रात हमारे दोस्त के यहाँ पार्टी पे चले। दोस्त तो आपका हुआ, मैं तो उसे नहीं जानता। आप अब तो नहीं जानते हैं? नहीं, दावत का शुक्रिया। दरअसल मैं आज बहुत मसरूफ हूँ, मेरे रियासत के मैनेजर आने वाले। सरकार, अगर आपने इनकार कर दिया तो इन बच्चियों का दिल टूट जाएगा। हुजूर, ये दोनों शर्त लगाकर आई हैं कि आपको वहाँ जरूर लेकर जाएंगी। हमसाए का हमसाए पर बड़ा हक होता है। क्या आप हमारी ये छोटी सी रिक्वेस्ट भी नहीं पूरी करेंगे? हुजूर, जान की अमान, आप बन जाए इनके मेहमान, मैनेजर से आपका गुलाम नहीं बटेगा। अच्छा, जैसे हमारे नए हमसायों की मर्जी। शुक्रिया। बात सुनिए जी, आप आने की जहमत ना कीजिएगा क्योंकि वो दावत है, दंगल नहीं। शहजादे नामुराद, ये काम करवाने की टिप रखो। आ गया मैं, मेरे मुकद्दर के सिकंदर का घर आ गया। समझो कि मेरा भी मुकद्दर छलन करके खुल गया। 1 लाख का 2 लाख रुपया कमाएगा। समझो काया पलट गया, मेरे मुकद्दर का सिकंदर का घर। अरे अरे किधर रह जाती है? ये मकान हमने किराए पर लिया है। ये मकान तुमने किराए पे ले लिया है? ये मेरे को तू बेवकूफ समझता क्या? ये मेरे को मालूम है, ये मकान मुकद्दर के सिकंदर का है। चलो चलो, सिकंदर चला गया है। नहीं रे, किधर गया है वो? सिकंदर पोरस के पास चला गया है। पोरस के पास चला गया? ये मेरे से फोटो दिख गया, मेरा रोकड़ा 1 लाख रुपए कहा गया? अरे मैं उसको किधर तलाश करेगा, मैं तो मर गया।
सिकंदर तशरीफ ला दे। प्रिंस इनसे मिलिए, ये है इस होटल के मालिक मिस्टर असलम, और आपसे मिलिए, आप हैं हमारे अजीज प्रिंस सिकंदर। अजीज गलत, हम भी लजीज बल्कि लजीज। क्यों प्रिंस? असल के बहुत खुशी हुई। बल्कि खुशकिस्मती हुई। आइए आइए, ये हैं प्रिंस सिकंदर और ये हैं मैडम बाबू। बगैर अति के करोड़पति खातून, बेपना जिस्म और दौलत की मालिक, यानी बाकमाल लोग और लाजवाब परिवार। आपसे मिलकर बहुत खुशी। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी थी। ये आजकल के लड़कों को देखो जरा, जिस महफिल में नौरीन होगी सब परवाने वही जमा हो जाते हैं। ना जाने नौरीन में से क्या खास बात है, इसको देखो खुशी में मरता है। और ऐसे लड़कों को बेवकूफ बनाना नौरीन के बाएं हाथ का काम है। खवातीन हजरात, मिस नौरीन तशरीफ लाती है। मिस नौरीन, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, प्लीज वो भी कीजिए ना। हेलो 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 नौरीन, हेलो नौरीन, क्या बहुत अच्छा है। हेलो नौरीन, हेलो 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 मिस नौरीन, हमारे प्रिंस से तारुफ नहीं करोगे? प्रिंस और आपका शगल आए ना, आप थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजारे, आए ना मेरे साथ बैठे ना। मैं भी आ रहता हूँ, अभी आ रहता हूँ। जी अली मकाम, ओपनिंग तो हो चुकी, अब चले। पहले मिस नौरीन से मिले। ये है मिस नौरीन, मिस नौरीन ये है प्रिंस सिकंदर। आज से मिलकर बड़ी खुशी। थैंक यू गुलाम जी, इस महफिल में कोई दिलचस्पी की चीज नहीं। आई थिंक वी मस्ट गो। नहीं नहीं नहीं, बैठे ना, यहाँ पे बैठिए। अरे कहाँ बैठे? मिस नौरीन आप भी बैठिए प्लीज, इससे अच्छा नहीं लगता। बैठे ना। गुलाम गुलाम बराबर में नहीं बैठते, चलो उधर। चलो ठीक है, हम अब उतनी देर बराबर का पान खाते हैं। शबाब की मुझ पे असर करने लगी है, वल्ला नजर जनाब की। मैं कली गुलाब की मैं क्षमा शबाब की मुझ पे असर करने लगी है, शबाब की शबाब की। Yeah.
गुलाम, लेट्स गो। और तबीयत कैसी है? प्रिंस, ना जाने अपने आप को क्या समझते हैं। बदतमीज, ना जाने अपने आप को क्या समझते हैं। ये रिमार्क किसके बारे में है नौरीन डार्लिंग? वही प्रिंस सिकंदर। पार्टी में हर कोई मेरी राह में आंखें मिचाया था, लेकिन उस मगरूर ने मेरी तरफ कितने हैंडसम, कितने चार्मिंग लग रहे थे। हर लड़की तुमसे क्लोज होना चाह रही थी। एक तुमसे, एक तुम्हारी बेनियाजी थी। तुम्हें पता है इस बात पर नूरीन कितनी जलती रही। ये नूरीन कौन है? अरे वही जिसने कल क्लब की ओपनिंग की थी। वो अपने हुक्म पर बहुत ही नाजा है, किसी को कुछ समझती ही नहीं। तुमने बहुत अच्छा किया कि उसकी तरफ देखा ही नहीं। डियर प्रिंस, मैं एक तेरी फोन करना चाहती हूँ। किसे? नूरीन को। किस लिए? उसने मुझे एक काम के लिए कहा था। अब देखो ना, नूरीन जिद कर रही है कि मैं अपना मैनेजर उसकी तरफ भेज दूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैडम, आप उसे फोन कर दें कि मैनेजर का बंदोबस्त हो गया। मगर कैसे? बात यह है मैडम। ओहो मैडम नहीं, बावरी कहो प्रिंस। खैर, मैं आपको क्या कहता हूँ और क्या नहीं कहता इसका फैसला तो बाद में। दरअसल मैं चाहता हूँ कि अपने स्टेट में एक स्टील मिल कायम करूँ, और उसके लिए मुझे एक तजर्बेकार मैनेजर की जरूरत है। मैं ये भी चाहता हूँ कि अपने किसी आदमी को नूरीन के स्टील मिल में मैनेजर की हैसियत से रख दूँ, ताकि वो तजर्बा हासिल करे। और उसके लिए आप मुझे नूरीन के नाम एक खत दे दें कि ये खत लेकर जो आदमी आ रहा है उसे मैनेजर की हैसियत से वहां रख। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी लिख देती हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, नूरीन को ये न मालूम हो कि इस आदमी को आपने मेरी सिफारिश पर रखा है। जैसा आप कहती हैं कि वो बड़ी मगरूर लड़की है, मैं उसका एहसान उठाना नहीं चाहता। ऑल राइट माय डियर प्रिंस। थैंक यू। मैडम, आपसे कोई बार मिलने आया? कौन है? कोई बूढ़ा है, कहता है मैडम बाबी ने भेजा है। ओह आई सी, ठीक है, उसे अंदर भेजो। अच्छा। अस्सलामु अलैकुम, मैं अंदर आ सकता हूँ? जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? पहले आप ये खत पढ़ लीजिए, फिर फरमाइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो आप पहले प्रिंस सिकंदर के पास सेक्रेटरी रह चुके हैं? यस मैडम, बंदे ने हमेशा रईसों के साथ काम किया है, गरीबों के साथ हमारा क्या काम। मैडम बाबरी ने आपकी बड़ी पुरजोर सिफारिश की है। उनकी बुढ़ा परवरी है मैडम, वरना बंदा किस काबिल है। आपकी तालीम? तालीम
بس یوں سمجھ لیجئے کہ علی گڑھ کی ڈگریاں ختم ہو گئی، بندے کا شوق علم ختم نہیں ہوا۔ ویری گڈ، آپ تو بڑے بڑے لکھے ہیں، آج سے آپ میرے پاس پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے کام کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ میڈم۔ آپ کا پہلا پرسنل کام کیا ہے؟ کل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پکنک پر جانا چاہتی ہوں، کسی خوبصورت سی جگہ کا انتخاب، اور وہاں کے سارے انتظامات آپ کے ذمہ ہوں گے۔ انشاءاللہ میڈم، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ کل کی پکنک ایک یادگار پکنک ہوگی۔ بھائی کمبر، ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ تم نے میڈم بابری سے نورین کے لیے سفارشی خط کس مقصد کے لیے دی؟ نورین کے نزدیک رہنے کے لیے۔ اس کے نزدیک رہنے کے لیے؟ ہاں، مگر تم تو اسے نفرت کرتے ہو۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرے، میں اس مغرور لڑکی کا غرور توڑنا چاہتا ہوں۔ لا 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 لا
رئیسوں کی اولاد، اس طرح سے شریف لڑکیوں کی چھپ چھپ کر تصویریں اتارنا جرم، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے۔ اس سے پہلے میں تمہیں تمہارے ضمیر کی تصویر دکھا دوں، چپ کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے لگتا ہے آپ کا بلڈ پریشر کچھ ہائی ہے، اپنا خون ٹیسٹ کروائیے۔ خون تو اپن دونوں کی رگوں میں ایک ہے، تمہارا خون ٹھنڈا ہو گیا ہے، اپنا خون پانی کی طرح بہتا ہے روز، کبھی غریبوں کے لیے، کبھی یتیموں کے لیے، اور کبھی تم جیسے بگڑے ہوئے رئیسوں کے لیے۔ میرے حالات بہت خراب ہیں سیٹھ صاحب۔ پاگل کا بچہ، ابے جن لوگوں کے حالات خراب ہوتے ہیں انہیں چھت کے نیچے رہنے کا کوئی حق نہیں، انہیں کھلے آسمان کے نیچے رہنا چاہیے تاکہ تپتی دھوپ اور برستی بارش میں صحت ٹھیک رہے اور کرایہ بھی ادا کرنا پڑے۔ کیوں شرافت بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے صداقت بھائی، اور تم کان کھول کے سن لو بڈھے گھڑوس، اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتے ہو تو آج سے اس گھر کا کرایہ 300 روپے مہینہ ہوگا۔ 300 روپے؟ 50 روپے سے ایک دم 300؟ میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گا سیٹھ صاحب؟ میرے پاس تو بیمار بیوی کی دوا اور غریب بچوں کے لیے روٹی تک کے پیسے نہیں ہیں۔ اتنا ظلم نہ کر، اتنا ظلم نہ کر۔ اگر کرایہ ادا نہیں کر سکتے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ قبر میں رہنا شروع کر دو۔ بالکل ٹھیک ہے، وہاں پر گورکن کرایہ بھی نہیں مانگے گا، پوری فیملی وہیں پڑے رہنا۔ تم یہ ہمیں کرایہ نہیں دیتا، بڑا پھٹے باز آدمی ہے۔ ابے او کارپوریشن کے منشی، یہ اسی مکان میں رہے گا اور کرایہ بھی 300 کی بجائے صرف 20 روپے دے گا۔ صرف 20 روپے؟ ابے او لبر چننے، تجھ سے کہا ہے نا صرف 20 روپے دے گا، میں نے صرف کرایہ کم کیا ہے، تیری زندگی کم نہیں کی، یہ میری مہربانی ہے۔ راجا بیٹا، راجا بیٹا، تمہاری بہت بہت مہربانی بیٹا، بہت بہت مہربانی۔ تمہاری جگہ یہ نہیں ہے بابا، تم کرسی پر بیٹھو گے، میں تمہارا سامان اٹھا کے خود اندر رکھوں۔ بیٹھو۔ جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو۔ بھائی اب ذرا بتیاں بجھا کے۔ جی میرا مطلب ہے موم بتیاں بجھا کے تو کیک کو پڑ جائے۔ Thank you.
अबे ओ किराए के चमचो, सब मर गए क्या? ताली बजाओ। राजा, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें अंदर आने की जरूरत कैसे हुई? अबे ओ फटे हुए ढोल, वॉल्यूम कम रख। मैं राजा टैक्स वसूल करने आया हूँ। टैक्स? हाँ हाँ, बोल जो दिया है टैक्स। अभी पहली तारीख को तो टैक्स दिया है, सिर्फ 18 दिन तो हुए। अबे आ चपर घंचू, हिसाब करने बैठा तो दिन गिनने मुश्किल हो जाएंगे। पैसे निकाल। ओ, मगर किस हिसाब में? आम को लूटने वाले हाथ गरीबों को देते वक्त हिसाब नहीं पूछा करते। सोच ले बेटा, तेरे हाथ बहुत काले हैं और मुझे सच बोलने की बुरी आदत है। बोल, शुरू करो सच। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बस इतने, जिससे गरीबों और यतीमों के कुछ दिन आराम से गुजर जाए। ये लो। बुरा मत मानना, आता जाता रहूंगा। हेलो, मैं असलम बोल रहा हूं। सुनो, राजा अभी अभी रकम लेकर मेरे घर से निकला है, उसे रास्ते में घेर कर तमाम रकम छीन लो। अगर नाकाम लौटे तो कुत्ते की मौत मार दूंगा। सर्कस में काम करते हो? हाँ? राजा, बस असलम का पैसा तुझे हजम नहीं होगा। राजा, हम तुम्हारे लिए कफन लेकर आए हैं। निकाल मैं माल किधर है? अच्छा, तो तुम्हें असलम ने भेजा है? अबे चरकटो, ये तो तुम्हारा ही माल है, उठा लो इसे। उठा लो, उठा लो। सिर्फ अपने बॉस की नजर में हाजिरी लगाई यार। अबे काश के जोकर गीजर की 100 साल जिंदगी से शेर एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये खत तो ख्वाजा साहब के नाम है, जरा ख्वाजा साहब को बोलो। जी।
फरमाइए। मैंने गलती से आपका खत खोल दिया। कोई बात नहीं, आप ही का खत है। अरे ये तो मेरे आका है प्रिंस सिकंदर। देखिए मैडम, मैंने इनकी मुलाजमत छोड़ दी है लेकिन ये मुझे अभी तक नहीं भूले। जन्मदिनों के लिए तशरीफ लाए हैं और मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। लेकिन इनको कैसे पता है कि आप मेरे मुलाजमत करते हैं? मैडम इत्तेफाक से इनके सेक्रेटरी की नजर मुझ पर पड़ गई थी तो सरेराह ही मैंने बता दिया कि मैं आपके मुलाजमत करता हूँ, तो इनको खबर पहुँच गई। ठीक है, आप उनसे जाकर मिल जाएंगे। मैडम आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती? मैं अपने आका की दावत करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उन्हें बुला सकूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन के लिए प्रिंस सिकंदर की मेजबान बन जाए? मैं मेजबान बन जाऊं? मुझे गरीब का भरम रह जाएगा, आपका क्या जाएगा। वैसे आपको उनसे मिलके बहुत खुशी होगी, आप महताब हैं तो वो आफ्ताब। अगर इजाजत हो तो मैं दावत नामा दे आऊं। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं आपका दिल रखने के लिए आपके मेहमान की मेजबान बन जाऊंगी। आप कल शाम 5 बजे मुझे चाय पर बुला लीजिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपके ख्वाजा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो नूरी जी, प्रिंस ने मेरी इंसल्ट की थी, कल 5 बजे मैं उसकी इंसल्ट करूंगी। कल शाम 5 बजे जब वो चाय पीने घर आए तो घर पर किसी चीज का कोई इंतजाम न किया जाए। और तुम उसे ये कहकर वापस भेज दो कि हमारी मैडम किसी एरा वगैरह से मिलना पसंद नहीं करती। और हाँ, 5 बजे याद दिलाना कि मुझे फिल्म देखने जाना है और टिकटें भी मंगा लेना। ये निकली कहा था? हो सकता है उसने 2 टिकटें मैनेजर के पास रखवाई हैं। चलो जरा देखिए, इस शो की 2 टिकटें मिस नोरेन के नाम से बुक तो नहीं? 2 टिकटों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम, ये शो तो पूरे का पूरा प्रिंस सिकंदर ने एडवांस बुक कर लिया है। हाँ, अगर आपको टिकट चाहिए तो आप प्रिंस सिकंदर से ले सकते हैं। लीजिए प्रिंस तशरीफ ले आए। सुनिए। फरमाइए। प्रिंस सिकंदर, आपने तो आज मेरी सहेली नौरीन के घर पार्टी पर जाना था। माफ कीजिए, मैं किसी नोरीन को नहीं जानता और ना ही मैं कहीं ऐरे गैरे के यहाँ खाने पे जाना पसंद करता। एक दिल के टुकड़े हजारों में, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ। माफ कीजिएगा मैडम, मैं 20 साल पिछली जिंदगी में चला गया था। ये दस्तखत पर बात कीजिए। आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि मैं आपके प्रिंसिपल हूं? मैडम आप सच बोलने में बिलीव करती? सच बोलना बड़ी अच्छी बात है। तो फिर सच बर्दाश्त करना भी बड़ी अच्छी बात है। तो फिर सच ये है मैडम कि मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। क्या मतलब? इसके अलावा कोई मतलब नहीं मैडम कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहता हूं कि आप प्रिंस, खैर छोड़िए इन बातों को, आज प्रिंस से एक लड़की मिलने वाली है, इंतहाई मगरूर और बद दिमाग है। मैं नहीं चाहता कि वो लड़की उनकी बीवी बने। आप क्या चाहते हैं? सच सच बताओ। कुछ कहिए। खुदा के लिए आप प्रिंस की बीवी बन जाइए, मुझे बुढ़ापे में बड़ा कर्म हो। वैसे आपको उनसे मिलके बहुत खुशी होगी, आप महताब हैं तो वो आफ्ताब।
انتہائی مغرور اور بد دماغ ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی اس کی بیوی بنے۔ خدا کے لیے آپ پرنس کی بیوی بن جائیے، مجھے بڑھاپے پہ بڑا کرم ہو۔ آپ اس وقت یہاں؟ میں پوچھتی ہوں تم میری توہین کیوں کریں؟ مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی توہین کرنے کی؟ تو پھر تم میری زندگی کے ہر موڑ پر میرے سامنے آ کر کیوں کھڑے ہو جاتے؟ تمہارے سامنے تمہیں اپنے حسن پر اتنا غرور کیوں ہے؟ تمہیں اپنی دولت پر اتنا ناز کیوں ہے؟ میں نے دولت پر کبھی ناز نہیں کیا، ہاں صرف اس مورتی سے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ مورتی سے؟ ہاں، دل کے خون سے ایک چہرہ بنا رہا۔ کیا کسی انسان کا؟ ایک پتھر کا۔ سر ٹکرانے کے لیے؟ نہیں، پتھر تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ مجھے آج تک انسانوں نے بھی کیا دیا ہے۔ میں اس تصویر کو دیکھ سکتی ہوں؟ نہیں، پتھر پتھر سے ٹکرایا تو آگ لگ جائے گی۔ میں اس تصویر کو ضرور دیکھوں گی۔ آج میں اس چہرے کو دیکھ کر اور اپنی پریشانی کی قیمت بھی لگانا چاہتی ہوں۔ سپنے میرے، ہائے سچے سپنے میرے۔
कोई आए इसे समझाए, बुरा है रोग, बुरा है रोग इसके दा, बुरा है रोग इसके दा, प्यार किसी पे आए जब प्यार किसी पे आए रहा ना जाए ये दिल तड़पाए, बुरा है रोग इसके आए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो तुम कहना चाहते हो वो मैं सुनना नहीं चाहती। जो मैं कहना चाहता हूँ वो कैसे जानती है? मैं जवाब देना नहीं चाहती, इसलिए कोई सवाल करने की जरूरत नहीं। आखिर तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? नौरीन, नौरीन, क्या जानो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करती हो? काश तुम ये जान सको कि मुझे तुमसे कितनी नफरत है। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारा ये हाथ जो आज मेरे चेहरे तक पहुंचा है एक दिन पछतावा बनकर मेरे पांव छू रहा होगा। वो दिन तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। Reaching on 15, PK 304. आज मेरे डैडी लंदन से आ रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, आपके वालिद आ रहे हैं नौरीन साहिबा। मेरे डैडी बड़ी मुद्दत के बाद अपने वतन वापस आए हैं। आप भी मेरे साथ एयरपोर्ट चलेंगे? चलेंगे, चलेंगे, जरूर चलेंगे, आपके साथ जरूर चलेंगे। Thank you.
मुजरिम हो जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म भूल बैठे हो। तुम भूल बैठे हो तो मैं याद दिलाता हूं, पहचानो मुझे। मैं तुम्हारे दोस्त अकबर की मौत से उठी हुई वो जिंदगी हूं जो आज तुम्हारी दरिंदगी की मौत बन जाएगी। तुम अकबर में क्या कांपते रहो और सुनते रहो। तुम मेरे बाप के मरने की वजह भी हो, मेरी मासूम माँ की हसरतों के कातिल भी हो, मेरे भाई की जुदाई के मुजरिम भी हो। सेठ, तुमने इतने जुर्म किए हैं कि मौत तुम्हारे लिए बहुत कम सजा है। काश मैं तुम्हारे खून के एक एक कतरे को बारूद से दाग सकता हूं। काश मैं तुम्हारे एक एक सांस को मौत दे सकता हूं। काश तुम्हारे लिए मौत से कोई बड़ी सजा होती। बचाओ अपने वजीर की जान बचाओ दोस्त। अब तुम्हारी पिसार उलट चुकी है, झूठ के झूठे साथियों। प्रिंस, क्या हाल है? आपके हाथों में नोटों की बजाय इस्तेमाल। अब अपनी झूठी जबानों समेत मर जाओ। झूठ और जुल्म को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। जुल्म को जिंदा रहने का कोई हक कोई आया, आया, आया। क्या 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 हुआ सिकंदर? मैंने सेठ सरफराज को तलाश कर लिया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी जिंदगी का एक एक लम्हा मेरी जिंदगी की तौहीन है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं सिकंदर, सेठ सरफराज को मारकर कानून हाथ में मत लो, बल्कि ऐसे हालात पैदा कर दो कि उसे कानून के हाथों सजा मिले। तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम उसे उसी तरह कानून के कटहरे में लेकर जाओगे जिस तरह वो तुम्हारे बाप को लेकर गया था। आप प्रिंस सिकंदर से मिलकर बहुत खुश होंगे। उनका अंदाज, उनका लहजा, उनकी बातें, बस कुछ ना कुछ ही रेडी वोट इज चार्मिंग पर्सनैलिटी। आई सी, हम प्रिंस सिकंदर से जरूर मिलेंगे। आजी, सिकंदर साहब तशरीफ ले आए। प्रिंस आगे जिसके आने की खबर तुम्हारे लिए मुस्कुराहट बन गई, हम उसे जरूर मिलेंगे। माय डैडी, डैडी ये है प्रिंस सिकंदर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। तशरीफ रखो प्लीज। अभी अभी आप ही का जिक्र हो रहा था। नौरीन बड़ी तारीफ कर रही थी आपकी। मुझे भी आपका बहुत इंतजार था। मुझे इत्तेफाकन देर हो गई, वरना हम बहुत पहले मिल चुके होते। इसे मैं अपनी बदकिस्मती के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। ऐसी कोई बात नहीं, जो होना होता है उसका एक वक्त मुकर्रर है। मुझे उस वक्त का बेचैनी से इंतजार है। किस वक्त का? ओ डैड, वक्त आने पर प्रिंस आपको सब कुछ बता देंगे। मुझे खुशी होगी प्रिंस अगर कल लंच आप हमारे साथ करें। शुक्रिया। कल हाँ, मुझे गरीबों की एक बस्ती में एक इजलास में शरीक होना है। वहाँ बहुत से गरीब मेरा इंतजार करेंगे। अगर मैं न गया तो उनका दिल टूट जाए। मैं आपके इस नेक जज्बे की कदर करता हूँ। वैसे हो सके तो आप भी मेरे साथ चलिए। जरा इनके करीब होकर देखिए, जो इंसानियत की बुनियाद है लोग उन्हें इंसान नहीं समझते। हाँ हाँ, मैं जरूर चलूँ। खैरियत से हूँ और आप सब लोगों की
साहब। मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं यहां तकरीर करने नहीं आया बल्कि आपके दुख बांटने आया हूं, उस जहालत को दूर करने आया हूं जो आपकी नस्लों के जहनों पर छाई रहेगी। मेरे नजदीक अमीर, कमजोर और ताकतवर सब बराबर हैं। मेरा ईमान है कि इंसान अगर चाहे तो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होकर इंसानी हमदर्दी के लिए बहुत कुछ कर सकता है। लिहाजा इसी जज्बे के तहत मैं बस्ती में एक स्कूल कायम करने के लिए 20,000 रुपए के अतिये का ऐलान करता हूँ। जिंदाबाद नहीं, मुर्दाबाद मोहनी, यहाँ 3 फट का फ्रॉड है, मेरे पूरे 2 लाख रुपए लेकर भाग गए। चुप करे, ना जाने चमते। हम कोशिश करेंगे कि इस बस्ती में पागलों के लिए भी एक अस्पताल कायम किया जाए। पागलों के हंदर, पागलों के हंदर, फिरों का साथी। खुदा की कसम, ये फिराग है, तुमको मालूम नहीं है ये तुमको क्या देगा, ये तुम्हारी झोपड़ी भी बैठ के खा जाएगा। अरे मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मैं आपकी का कसम सच्ची बोलता हूँ, यह कदम नहीं है, नहीं है। जानते हो? अरे मैं इसको जानता हूँ, अरे मैं उसके पूरे खानदान को जानता हूँ, मैं अभी उस सब का पता करते हूँ, ये अमर दर्जे का फ्रॉड है। मैं तो उसको मुकद्दर का सिकंदर समझता था, मगर वो कमक मेरी किस्मत का अंधेरा निकला, मेरा 1,00,000 रुपया लेकर गायब हो गया। गुरु समझिए, आप सच कह रहे हैं सेठ साहब? ये मेरे को झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मैं कोई भूखा नहीं जा रहा। बड़ी मुश्किल से हम उसका घर तलाश किया, अरे घर तो मिल गया मगर मेरा 1,00,000 रुपया अभी तक नहीं मिला। सिकंदर का घर कहाँ है? ये इसी शहर में रहता था यार, और किधर रहता था, घर कहाँ है? अरे लोग बोलते आज से 20 बरस पहले किधर उसका बाप अकबर ने स्टील मिल का कोई मालिक था, मेरे को तो वो भी ग्रानिज लगता था। अरे कोड़ी कोड़ी को मोहताज होके मरा है यार। इसका मतलब है प्रिंस सिकंदर सेठ अकबर का बेटा है। अरे हाँ बाबा, अकबर का बेटा है और तुम्हारा बेटा है क्या? तो प्रिंस सिकंदर किसी रियासत का शहजादा नहीं? तुम्हारी जबान ने एक बहुत बड़ा पर्दा उठा दिया है सेठ, तुम्हारी रकम भी वसूल हो जाएगी, मेरे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार भी गिर जाएगी। नवीन बेटी। जैसे मेरा डैडी। ओ, हम पूछने आए हैं कि प्रेस से तुमने अपने बर्थडे कार्ड मंगवा लिए या नहीं? मंगवा लिए हैं डैडी, और आज डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएंगे। गुड, तुम्हारी सालगिरह के दिन हम तुम्हें एक बहुत कीमती तोहफा देने वाले हैं बेटी। हम चाहते हैं तुम्हारी उम्र के साथ साथ तुम्हारी खुशी में और इजाफा हो जाए। कैसी खुशी देखी? हमने फैसला किया है कि तुम्हारी सालगिरह के दिन तुम्हारी और प्रिंस सिकंदर की मरनी कर दी जाए। ओह डैड, अपने कारोबार की निगरानी के लिए हम बहुत जल्द पेरिस वापस जाना चाहते हैं बेटी, और जाने से पहले हम यहाँ की तमाम जायदाद तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर देना चाहते हैं। तुम यहाँ अकेली हो और इतना बड़ा कारोबार तुम्हारे लिए संभालना मुश्किल है। हमारे ख्याल में प्रिंस सिकंदर तुम्हारे लिए एक अच्छा शौहर और एक अच्छा साथी साबित होगा।
जिसने सिखाया मुझको तड़पना, जिसने सिखाया लाखों में वो एक है जिसने जीवन सजाया आंखों से अंकल की बेटी की सालगिरह है, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बेहतर सर, आप फिक्र ना करें। ऑलराइट। तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पसंद के मुताबिक उड़ेंगे। थैंक यू। खामोश खामोश। खान साहब कोई तकरीर करना चाह रहे हैं? ओ नहीं, हम बगैर तकरीर के भी खान साहब को मार देंगे। खान साहब आइए, खान साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। आप मुअज्जज ख्वातीन हज़रात, खुशी के इस मौके पर मैं बड़ी मसरत के साथ अपनी बेटी नौरीन और प्रिंस सिकंदर की मंगनी का ऐलान करता हूँ। मर गया मेरे रब्बा। हाय मेरे अब्बा। सुने सुने, प्रिंस सिकंदर और नौरीन की शादी अगले माह की। ये स्टॉप स्टॉप, ये रहो, ये शादी नहीं हो सकता। अगर ये शादी हो गया तो समझो बर्बादी हो गया।
ये प्रिंस नहीं है, वो बहुत बड़ा फिजाद है, फौजदारी है, धोखेबाज। अगर इसके साथ तुम्हारा बेटी का शादी हो गया तो समझो मेरा गर्व हो गया, पूरा समझे? क्या बात है? ये ठीक कह रहे हैं अंकल, सिकंदर प्रिंस नहीं, बहुत बड़ा धोखेबाज। ये सेठ साहब, मैंने इस पर भरोसा किया, इस खिलाड़ी मेरा 1,00,000 रुपया आदम किया और डक्कर भी नहीं लिया, पूरा समझे? तोबा। ये प्रिंस नहीं अंकल, आपके दुश्मन अकबर का बेटा है। पूछिए इससे क्या नाम है इसके बाप का। क्या ये सच है कि तुम अकबर के बेटे? मुझे फख्र है कि मेरे बाप का नाम अकबर है। तो क्या प्रिंस सिकंदर के फेस में तुम एक ऐसा झूठ हो जिसे आज तक लोग सच समझ रहे हैं? सच तो ये है सेठ कि तुम मेरे माजी का वो जख्म हो जिसका दर्द मैं अपने सीने में उठाया आज तक फिर रहा हूं। ये अलग बात है कि सोने की चमक ने तुम्हारे हाथों पर जमा हुआ खून न कानून को देखने दिया और न ही जबाना देख सकता। कमीने, ये सारे नाम अपने ही शजरे में लिखे रहने दो सेठ। मैं तो सिर्फ तुम तक पहुंचने के लिए तुम जैसा करना था, लेकिन आज मैं तुम्हारा तारुफ इस महफिल से जरूर कराऊंगा। लोगों, ये वो दरिंदा इंसान है जिसने दौलत की खातिर दोस्त बनकर मेरे बाप से उसका सब कुछ छीन लिया। जवाब दो सेठ, क्या दौलत की ख्वाहिश इंसान को इतना ही जलील बना देती है जितने तुम हो? लालच, लूट और फरेब की दुनिया में तुम जैसे इंसान दौलत की बुलंदी हासिल करने के लिए दोस्तों के लाशों से क्यों गुजर जाते हो? मैं कहता हूं यहां से फौरन चले जाओ, वरना पुलिस को बुलवाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। जेल तुम, मैं तुम्हें भिजवाऊंगा सेठ। वो दिन जरूर आएगा जब तुम कानून के कटहरे में खड़े होकर अपने गुनाहों का इतराफ करो। जाली नोट, जाली वोट, जाली पीर और जाली रईस, ये सब कुछ तो सुना था, मगर ये जाली प्रिंस कहां से आ गया? इसने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमें चक्कर दे गया, हमें पागल कर गया। ओहो, ये तो अच्छा हुआ कि हमें वक्त से पहले पता चल गया कि वो प्रिंस नकली है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। हमें जो यकीन आ रहा है, हमारी बात क्यों नहीं मानती हो? चलो दोनों अंदर जाके आराम करो। मैं तो ये कहता हूँ सदाकत भाई कि अल्लाह का शुक्र है कि हम बाल बाल बल्कि बेटी बेटी बच गए। अब जितनी जल्द से जल्द हो सके उससे अपनी कोठी खाली करवा लेनी चाहिए। इतनी जल्दी गैरतमंद बनने की जरूरत नहीं है। क्यों भूल रहे हो कि हम उससे उससे 1 साल का अडमनस लेके खा चुके हैं? कोई बात नहीं, वक्त आने दो, हम उसको किसी चोरी डकैती या कत्ल के इल्जाम में झूठी गवाही दे के ककड़वा देंगे। छींटे मत उड़ाया करो, तो तुम आगे कुछ रख लिया करो। खुदा का शुक्र है मैंने वक्त के पहले सिकंदर के गंदे खून को पहचान लिया, वरना उसके जहन में छुपा हुआ इंतकाम नौरीन की जिंदगी तबाह कर देगा। अब आपने नौरीन के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? मैं सोचों के मकाम से निकल कर एक फैसले पर पहुंचा हूं, और वो फैसला ये है कि नौरीन की शादी तुमसे कर दी जाए। अंकल, मैं आपके इस फैसले को अपनी खुशकिस्मत ही समझता हूँ। बस यही चंद दिनों में तुम्हारी और नौरीन की शादी कर दी जाएगी। वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। मेरा प्यार दिल के फैसले का साथ देगा, रिश्तों की ख्वाहिश का नहीं। तरफ से कुछ कहने आई हो या अपने बाप की तरफ से? सिर्फ अपनी तरफ से। शायद मेरे साथ बीते हुए दिनों पर पछताने आए। नहीं, आने वाले दिनों पर मातम करने आई हूँ, ये जानने आई हूँ कि तुम आशिक बड़े हो या दुश्मन, ये देखने आई हूँ कि जो आंसू मैं रो चुकी हूँ उनके नमी तुम्हारी पलकों पर भी आई है। ये बता सिकंदर, तुम्हारे दिल में बरसों पुरानी नफरत की आग जल रही थी तो मेरी जिंदगी में मुझे वो सहारा बनाने चाहा जिससे तुम मेरे बाप के दोनों में पास ले जाते थे।
یہ جھوٹ ہے، الزام ہے، میرے ساتھ کی توہین ہے۔ تم کیا جانو، میرا ماضی، میرے رشتے، میرا سب کچھ تمہارے باپ کے ظلم کی سیاہ چادر میں چھپا ہوا۔ میں رشتوں کی شاخ سے ٹوٹا ہوا وہ پتا ہوں جو اتفاق سے تمہارے شانے پر آن گرا تو تمہارے خاندان والے اسے اپنے راستے کا کانٹا سمجھ رہے ہیں۔ میں آج بھی تم سے پیار کرتے ہو، اگر پیار کرتے ہو تو اس محفل میں یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے ساتھ چلو، تم ایک بار کہہ کر تو دیکھتے، میں ساری دنیا چھوڑ دیتی۔ نورین سکندر، میں نے تمہیں اپنی زندگی سمجھا ہے، اپنی روح سمجھا ہے، اپنی تبدی سمجھا ہے، تم مجھے چھوڑا ہے، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ جب یہ جانتی تھی تو کیوں گئی تھی؟ جسے آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ میری زندگی، میرا پیار ہے، میرا سب کچھ ہے۔ میں سکندر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، زندہ نہیں رہ سکتی ریڈی۔ سکندر کو میں اپنی زندگی سمجھتی ہوں۔ تم غلط سمجھتی ہوں، محبت کسی کو کچھ نہیں۔ آپ مجھے سمجھانا بھی چاہیے تو میں سکندر کو اپنی محبت ہی سمجھوں گی، دشمن نہیں۔ تو پھر میں تمہیں بیٹی نہیں، اب پیر سر کا دشمن سمجھوں گا۔ اور دشمنوں پر پہرے بٹھائے جاتے ہیں، پابندی لگائی جاتی ہے۔ آج سے تم اس گھر میں بیٹی نہیں، قیدی بن کر رہوگی۔ اور پہرا میں خود دوں گا۔ تم ہر وقت بزی رہتے ہو، تمہیں پتا ہے میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میڈم ہوش میں آئیے، آج مجھے پلیز بے ہوش ہی رہنے دو۔ میڈم تمہاری یہ عمر محبت کرنے کی نہیں، عبادت کرنے کی۔ پریس اگر آج تم نے ان سب کے سامنے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں مر جاؤں گا۔ تمہاری یہ مصنوعی زندگی بھی موت کا دوسرا نام تھا۔ نہیں پریس نہیں، میں تمہیں دل سے چاہتی ہوں، تمہاری محبت کے لیے میں اپنی ساری دولت تمہارے قبضے میں ڈھیر کر دوں گی۔ تم آج کے دولت مند طبقے سے تعلق رکھنے والی وہ عورت ہو جو اپنے حوث کا بھرم رکھنے کے لیے دولت کی بیساکھیوں کے سہارے زندہ رہنا چاہتی ہے۔ تم نے اپنے بالوں میں جو سیاہی لگا رکھی ہے وہ حوث بن کر تمہارے دل تک اتر گئی۔ اتار ڈالو اسے، تمہاری عمر ایک ماں کی عمر ہے لیکن چہرے پر جوان عورت کی سجاوٹ۔ اس معاشرے کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، اداؤں کی نہیں۔ دیکھنے والوں، پہچانوں میں اس تہذیب کی ایک گڑیا کو، جب گڑیا بننے کی آرزو میں بیٹے کو محبوب بنا کر اپنے سینے سے لگانا چاہتی، یہ وہ عورت ہے۔ عورت نہیں وہ عورت ہے جو پوری ہو جائے تو تہذیب بن جاتی ہے، اور پوری نہ ہو سکے تو معاشرے میں گندگی بن کر پھیل جاتی ہے۔ تب کر دو اس سوسائٹی کو، مٹا دو اس ماحول کو جو عورت کو ماں کی گود سے چھین کر بے غیرتی کے سرائے بھلا بھرا کرتا ہے۔ میڈم مجھے اپنی زندگی اور آپ کی آنسوں کی قسم، مجھے بھی آپ سے وہ محبت جو آپ کو کبھی نصیب نہیں ہوگی، وہ محبت جو خون میں پرورش پاتی ہے، وہ محبت جو ایک بیٹے کو اپنی ماں سے پورا کرتی ہے۔ بتائیے میڈم، اب میں آپ کے قدموں پر سجدہ کروں یا آپ کو ماں کہہ کر آپ کے سینے سے لگ جاؤں؟ بیٹے سکندر، بیٹے مجھے معاف کر دے بچے، مجھے معاف کر دے بیٹے، معاف کر دے بیٹے، مجھے معاف کر دے۔ کدھر جاتے تمہارا باپ کا گھر بولے تم بھول صرف باٹلی والا یہ باٹلی والا نہیں تمہارا باپ میرا ایسا باپ ہو تو میں خودکشی کر لوں۔ کیوں میں تیرے کو گدے کے مافک لگتا ہے؟ ارے خودکشی تو ہمارا مذہب میں حرام ہے، پر تیرے کو ایسا خودکشی کرائے گا کہ آنکھا دنیا دیکھے گا، میں تیرے کو آسمان میں ڈھونڈا ہے پر تو میرے کو زمین میں مل جا۔ کدھر ہے وہ پھرا گیا؟ کدھر ہے؟ اندر ہے؟ نہیں باہر ہے؟ نہیں ہے، گل چلا گیا، کہیں کام گیا ہوا ہے۔ کبھی اندر رکھے بھی بات، تیرا پھر تو بھی خراب ہو گیا کون سمجھے؟ ارے 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 تھا جو اندر مہمان ہے، پردے دار خواتین ہیں، عورتیں 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 عورتیں۔ اگر تیرے کو پردے کا اتنا خیال ہے نہیں تو نکالو میرا ایک لاکھ روپیہ روک رہا، تیرا نقلی فراڈ کو دیا تھا، اس کے ساتھ میرے کو وہ خرچہ بھی، جو تیرے کو ڈھونڈتے 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 میں تو پاگل ہو گیا۔ خدا کا
खौफ करो, अभी थोड़ी देर बाद तुम बोलेगा कि तुम्हारी पैदाइश से लेके अब तक का खर्चा तुमको दे दे तो किधर से देगा? ये चमचे मेरा खर्चा तो तुम्हारा बाप भी देगा। मेरा बाप किधर से देगा, उसने तो मुझे कभी कुछ नहीं दिया। अच्छा तो फिर हट जा, इधर हट जा, बस फराड़ी से मेरे को बात करने दे। ठहरो, हट जा नहीं। अरे ठहरो ठहरो, अरे किधर जा रहे? बंद करो। ए ए ए कहां जा रहे हो? प्रिंस मकरू में तुम चले नहीं सकता। और छोड़ मुझे, इधर है वो झूठा फराड़िया ने चक्रवास प्रिंस का बेटा। ए तू इधर बैठा है, आज मैं अपना रोकड़ा लेकर ही जाएगा। निकालो नहीं मेरा 1,00,000 रुपया, नहीं तो मैं तेरे को पुलिस के हवाले करूंगा। बोलो बाटली वाला, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। आस्ता बोले क्यों, मैं किसी से डरता है क्या, या मैं किसी से फ्रॉड किया? मैं तो आखा दुनिया को बताएगा तुम 1 नंबर का फ्रॉडी है, और फ्रॉड करके मेरा 1,00,000 रुपया हजम कर गया और धक्का भी नहीं लिया। तो ठीक है, मिल जाएगा 1,00,000 रुपया। मेरे को मेरा रुपया मिल जाए तो मेरे तरफ से तुम प्रिंस क्या शहंशाह बन जाओ, मेरी बला से मैं किसी को कुछ नहीं बोलेगा। हाँ तो मत बोलो। प्रिंस बोलो तो इसको हमेशा के लिए खामोश कर दूं? अबे नहीं, कत्ल गारतगरी का मुकदमा थोड़ी है, सियासी मसला है। बाटली वाला साहब टेबल पे बैठिए, आप आइए, हम मजाक रात करते हैं, बैठिए कुछ खाइए पिए। नहीं बाबा, मैं घर से खा पी के आ गया, मैं टेबल में बैठ कर कुछ खा लिया ना, मेरा 1,00,000 रुपया तेरे नमक में डूब जाएगा। मेरे को नमक का मार मत मारो, मैं नमक आराम नहीं है, है? मैं तो बिजनेस वाला आदमी है, बिजनेस का बात खड़े खड़े करने का दिया। बोल करो समझे। अरे करो तो समझे, तुम एक बात बताओ, कुछ इंतजार नहीं कर सकते? नहीं बाबा, पहले मैं बहुत खराब खुआर हुआ, अब और हिम्मत नहीं है। बाल्टी वाला खराब खराब हुआ ना तो थोड़ा दिन और हो लो। तुम चुप क्यों रहे चमचे? दो टके का आदमी है। ठीक है बाल्टी वाला, मिल जाए ना तुम्हारा 1,00,000 रुपया 4 दिन बाद। तो ठीक है, आज मंगल है। मंगल क्यों मिलता है? मंगल की शाम हो गया, बुध की नो। चलो मंगल नहीं है तो बुध है, जुमेरात जुमा हफ्ता को आएगा। और सेठ बाल्टी वाला तुम अहमक है, बेवकूफ है, हफ्ता को लेन देन अच्छा नहीं होता, इनकम टैक्स वाले पकड़ लेते। ठीक है तो फिर कोई बात नहीं, मैं आतवार को आएगा, 1 दिन और इंतजार करेगा। लेकिन एक बात काम छोड़ कर सुन लो नी, एक दबड़ी कम नहीं लेगा, 1,00,000 रुपया लेगा। अगर एक दबड़ी कम दिया ना, मैं तेरे को पुलिस के हवाले करेगा। मैंने नौरेन को बहुत कहा लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी और खाना खाने से इनकार कर दिया। तो भूखा मानने दे से, हम अपना फैसला नहीं बदल सकते। ना 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 सेठ साहब, फैसला बदल जाता है, तकदीर बदल जाती है, इंसान बदल जाता है। नौरेन आपकी अकलौती बेटी है, आपको उसके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। लेकिन इस वक्त हमें औलाद से ज्यादा प्यारी, हम नौरीन का सिकंदर से मिलना हर किस बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल तो बर्दाश्त करो। क्या मतलब? तो मेरा मतलब ये है कि देखिए, आप बिल्कुल फिक्र न करें, नौरीन आपकी बेटी है, हमें भी दिलो जान से प्यारी है। खाना लेकर हम जाते हैं, बताते हैं उसे कि आपका मकाम क्या है। आप खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगी, और आप जिंदा नहीं रहेंगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? मुझसे तुम्हारी जिंदगी का क्या बात? वही जो एक फूल का महक से है, चिड़ियों का चहक से है, बादलों का कड़क से है, रोमियो का जूलियट से है, लैला का सुसरे मजनू से है, और मेरा तुमसे। क्या पक्के हो बदतमीज? अजी आप सुनिए तो सही। ये तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। अबे ऐसे कैसे मुंह नोच लोगे? आज सिकंदर तुम ठहरिए ठहरिए, ये भी, और जनाब ये सारी की सारी दिल नवाजी आपकी। नाम रे तू मुझको लगा ले गले, तू
प्यार करने की लेकिन इजाजत नहीं, प्यार करते हैं तो क्यों न खुल कर मिले, अपना हक मांगते हैं बगावत नहीं, जख्मों को छोड़ेंगे अरे जंजीर तोड़ेंगे तोड़ेंगे, वो मिलके हम आज दो मंचरे लगा ले तू मुझको गले हो, लगा ले तू मुझको गले हो, दुनिया को चलने दे प्यार का जादू चलने दे, इससे पहले कि शाम ढले लगा ले तू मुझको गले हो, लगा ले तू मुझको गले साथी रे तू मुझको लगा ले गले। आप फिक्र न करें अंकल, सिकंदर नौरीन की जिंदगी से भी निकल जाएगा और इस दुनिया से, काश ऐसा हो सकता। आप मेरी वापसी का इंतजार करें, मैं उन खासों को बहुत जल्द आपके सामने ले आऊंगा जिन पर सिकंदर की मौत हुई। बस उन आदों को खरीदना आपका काम, हम उन खासों को हर कीमत पर खरीदेंगे। सिकंदर की मौत अब हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। अबे ओ बुरे वक्त, तू इस वक्त मेरे घर में कैसे? एक सौदा करने आया हूं। सौदा? अबे ओ कबाड़िए के साले, मेरे इस टूटे फूटे घर में मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, तू किस चीज का सौदा करने आया है? तुम्हारा मेरा अंधेरा सूरज का गाहक बन के आया है, घन चक्कर होश में तो है ना राजा? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, कीमत जितनी चाहोगे मिल जाएगी। काम क्या है? काम सिर्फ एक खून करना, एक दुश्मन का। दुश्मन गरीब लाचार और बेगुनाह तो नहीं? बिल्कुल नहीं, वो एक जालिम है, एक बूढ़े बाप की गैरत को तुम्हारे हौसले का सहारा चाहिए राजा, और मैं वादा कराया हूं कि तुम गैरत के नाम पर आग के दरिया से भी गुजर जाओगे। देखो लल्लू, अगर तो यह बात सच है तो राजा आपकी जान लुटा देगा लेकिन किसी की इज्जत नहीं लुटने देगा। सिकंदर आज जिंदा नहीं बचना चाहिए। बस 10,000? तो फिर क्या लोगे सिकंदर की मौत का? तुम क्या कीमत दे सकते हो अपनी इज्जत की? तुम बताओ क्या लोगे? जरूरतमंद मैं नहीं सेठ, तुम। 15,000 ठीक रहेगा। करोड़पति की इज्जत की कीमत सिर्फ 15,000 रुपए। बहुत घटिया लगा है सेठ। राजा इज्जत से बात करो सेठ साहब से। अबे ओए, दो मुजरिम एक दूसरे को इज्जत से नहीं तकल्लुफी से बुलाते हैं ललुआ। तो फिर जल्दी से बताओ क्या लोगे? 50,000। 50,000? सिकंदर के खून की कीमत जो मैंने मांगी है वो मुझे दे दे सेठ। गरीबों का खून चूसने के लिए अभी तेरे पास लंबी उम्र पड़ी। ठीक है, 50,000 ले लो और जल्दी अपनी कामयाबी की इत्तला दो।
جب بے چھوٹے نواب تو سیر سرفراز کی عزت سے کھیل چکا اب تماشا دکھانے کی میری باری ہاں تو تم اس کی حمایت کرنے آئے ہو مزدوری کرنے آیا تم غلط جگہ آ گئے ہو یہ پتھر تم سے نہیں ٹوٹے گا ابے او شتر مرغ راجا کی ٹھوکر نے تو پہاڑ گرا دیے وہ پہاڑ موم کے ہوں گے بڑا ناز ہے تجھے اپنے آپ پر بڑا افسوس ہے تیری بکی ہوئی بہادری پر راجا نے کبھی حرام نہیں کھایا جب کھایا ہے کما کر کھایا ہے محنت کر کے کھایا ہے نہیں بچ سکتا یہ بکے ہوئے بازو نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں اور نہ موت میرے ہاتھ کی ہر لکیر پر تیری موت لکھی ہے سکندر میں مقدر کا سکندر ہوں موت کی لکیروں سے زندگی ڈھونڈنا میرا مقدر ہے Thank you.
आपके दो बेटे सिकंदर, मैं दोबारा पिछला हुआ भाई राजा हूं सिकंदर भाई। जब तुम घर से भागे, मुझे और माँ को खुदा के लिए ये तुम क्या करो, मुझे मेरे घर से ना निकालो, मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी, खुदा के लिए मुझे घर से ना निकालो। बकवास बंद कर, अब तुम्हारा ये घर से कोई ताल्लुक नहीं, निकल जाओ। राजा बेटे, ये तस्वीर अपने पास रख लो, ये तुम्हें तुम्हारे पिछड़े हुए भाई सिकंदर से मिला सकती है। ना जाने मेरे बेटे सिकंदर का क्या बना। सिकंदर, सिकंदर। आज तक तुमने मुझे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है सिकंदर भाई। राजा सिकंदर भाई, सेठ सतराज भाई को भाई के हाथों कत्ल करवाकर तमाशा देखना चाहता था। जो तमाशा वो देखना चाहता है, उससे भयानक मंजर उसे मैं दिखाऊंगा। तुम देखना, मैं उसे ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि देखने वाले कांप उठेंगे। नहीं आजा बेटा, नहीं। सेठ सरफराज को अगर मारना होता तो मैं बहुत पहले उसका खून कर चुका होता। मैं उसे कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहता, उसी कटहरे में जहां उसने हमारे बेगुनाह बाप को लाकर खड़ा किया था। अब सेठ सरफराज कानून से नहीं बच सकता, वो अपनी सजा से नहीं बच सकता। बंदे, मेरा ख्याल है राजा हमें धोखा दे गया है। सिकंदर अभी जिंदा और राजा वापस नहीं आया। आप फिक्र न करें अंकल, जैसे भी हो आज मैं राजा को तलाश करके आपके पास जरूर लाऊंगा। राजा तुम्हारी तलाश की पहुंच से बहुत दूर निकल चुका है। तुम यहां क्या लेने आए? सिर्फ ये बताने कि जिस राजा को तुमने मेरी मौत के लिए खरीदा था वो राजा मर चुका है। राजा तुम्हारी साजिश बनकर मेरे सामने आया और आंसू बनकर मेरे कदमों में बैठ चुका है। क्या तुमने राजा को मारा? लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा सेठ, इसलिए कि मैं तुम्हारे खून से अपने हाथों को नापाक नहीं करना चाहता। लेकिन इतना याद रखना कि वो दिन जरूर आएगा जब मैं तुम्हें तुम्हारी तमाम नापाक फसलों को समेत कानून के कटहरे में खड़ा करूंगा। इसी कानून के सामने जिसने तुम्हारे इशारे पर मेरे बाप से उसका सब कुछ छीन लिया था, उस दिन तुम्हारे नापाक चेहरे पर शर्मिंदगी की स्याही होगी और तुम्हारी हिमायत में बोलने वाली, गवाही देने वाली तमाम जबानें काट दी जाएंगी। आप बिल्कुल फिक्र न करें सेठ साहब, अब हम खुद उस पागल सिकंदर की जिंदगी का दरख्त अपने जहन के आरे से काटेंगे। दिलासा नहीं, मुझे जमानत चाहिए कि सिकंदर आइंदा कभी मेरे सामने नहीं आएगा, फिर उसकी मौत की खबर आएगी। आप फिक्र न करें अंकल, आप सिर्फ हमारा साथ दें और फिर हमारी जबान की काट और सिकंदर की जिंदगी का अंजाम देखेंगे। आप, मैं और मेरी तमाम दौलत तुम्हारे साथ, तो फिर मिलाओ। ठीक, जब चार कमीने आपस में इत्तेफाक कर लें तो एक शरीफ आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। अरे बिल्कुल गरम गरम चाय। अच्छा अच्छा असलम भाई, किधर आ रहे हो? लाइडी क्या नजर नहीं आ रहा, किधर होते आप, क्या धंधा करते, मिलते कि नहीं? आओ बैठो नी, कोई चाय शाय कोई नाश्ता उश्ता करो नी। शुक्रिया, मैं कुछ खाने पीने नहीं आया। एक पार्टी वाला, मुझे तुम्हारी कुछ तस्वीरें चाहिए जिनमें सुर्ख रंग भर कर मैं अखबार में छपवाना चाहता। सच्ची हीरा बुड्डू अखबार में छपेगा? अरे जल्दी करो नी, और समझे जल्दी कराओ।
बोरी में बंद करके दरिया में फेंक दो। हेलो पुलिस स्टेशन। दुश्मनों ने तुम्हारे खिलाफ झूठा केस और पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही है। जाते हैं पिया जी, कानून को चक्कर देना और इंसाफ को अपनी मर्जी पर चलाना हमसे बेहतर कौन माई का लाल जानता है। साहब, जिस रोज सिकंदर की आखिरी हिचकी खुशी की खबर बनकर हम तक पहुंचेगी, हम तुम्हें मारा मार कर देंगे। जनाबे वाला, मुल्जिम सिकंदर के प्रिंस बनने का मकसद महज दौलतमंद लोगों तक रसाई हासिल करना, उनका एतबार हासिल करना और बाद में उनको लूटना था। मुल्जिम सिकंदर ने एक कामयाब बहरूपिये की तरह प्रिंस का रूप बदलकर दौलतमंद लोगों को लूटना शुरू कर दिया। मुल्जिम ने अपने कर्ज का सेठ पाटली वाला महज इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि मुल्जिम मकतूल से उधार ली हुई रकम वापस नहीं करना चाहता। सेठ पाटली वाला के बढ़ते हुए मुतालबे में मुल्जिम और मकतूल के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी थी। मुल्जिम सिकंदर ने सेठ पाटली वाला को कत्ल करके इस कर्ज और मकतूल की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये झूठ है, ये सच है जनाबे वाला। मुल्जिम ने मैडम बावरी को भी इसी बेदर्दी से कत्ल किया है। मैडम बावरी जिसके सीने में एक मां का दिल था और मुल्जिम के लिए ममता का प्यार था, लेकिन मुल्जिम जो खयानत का आदि, शराफत का दुश्मन और इंसानियत का कातिल बन चुका था, सिर्फ जायदाद हासिल करने के लिए इसने अपनी मां को भी खून में डुबो दिया। उस मां को
जिसने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसकी मौत के बाद उसकी दादू की जायदाद का वारिस उसका मुंह बोला बेटा सिकंदर होगा। जनाबे वाला, मैडम बावरी के घर से मिलने वाली ये वसीयत इस बात का सबूत है कि मुल्जिम मैडम बावरी की जायदाद हासिल करने के लिए इतना बेकरार हो गया कि उसने मकतूला की तबी मौत का इंतजार करना भी अपनी लालच की तौहीन समझा और एक माँ के मोहब्बत भरे दिल पर लालच का बारूद रख दिया। मगर इत्तफाक से मैडम बावरी सिर्फ जख्मी हुई मर न सका। मैडम बावरी का जिंदा बच जाना मुल्जिम की मौत थी, क्योंकि मुल्जिम जानता था कि गोली चलाते वक्त मैडम बावरी ने देख लिया, लिहाजा अस्पताल में जेरे इलाज मैडम बावरी को अगवा कर लिया गया और यकीनन उसे मार डालने के बाद उसकी लाश उसी पुरसरार अंधेरे में गुम कर दी जहां उससे पहले सेठ पाटली वाला की लाश गुम हो चुकी थी। जनाबे वाला, मैं अदालत के सामने मुल्जिम के खिलाफ मौके की गवाह पेश करना चाहता हूं। गवाहों को पेश किया जाए। सच कहो, सच के सिवा कुछ न कहो। हम जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ भी न कहेंगे। मिस्टर शराफत, आपने मुल्जिम को कब और कहां जुर्म करते हुए देखा? जनाब, सेठ पाटली वाला मेरा दोस्त था और जब जनाब अली उसने इससे रकम का मुतालबा किया तो इस दरिंदे ने जेब में हाथ तो जरूर डाला लेकिन नोटों की बजाय एक खौफनाक किस्म का रिवॉल्वर निकाल लिया और आवाज आई ता। इसने सेठ वाटली वाले को गोली मार दी जनाब और मैंने खौफ की वजह से आंखें नहीं चुकाई। जब मैंने आंखें ऊपर की तो ये फ्राटिया वहां से भाग गया था और सेठ वाटली वाले की लाश रुखसत हो चुकी। जनाबे वाला, दौरे कत्ल की इस वारदात में मुल्जिम सिकंदर अकेला ही नहीं बल्कि उसके साथ भी बहुत बड़ा ग्रोह शामिल है। मुल्जिम सिकंदर झूठ फरेब सादिक और खून में डूबा हुआ एक ऐसा किरदार है जो अपनी बदामारियों की सजा पाने के लिए बिलआखिर इंसाफ के सामने पहुंच गया। अदालत से दरखास्त करता हूं कि मुल्जिम सिकंदर को सिर्फ मौत मौत की सजा मिलनी चाहिए। मुल्जिम सिकंदर, तुमने अपने आप पर लगाए गए इल्जाम सुन लिए। तुम्हारा ये कानूनी हक है कि अगर तुम चाहो तो आप अपनी सफाई में वकील पेश कर सकते हो। मैं अपनी सफाई में कोई वकील पेश नहीं करना चाहता जनाबे वाला, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अदालत ने वकील साहब ने जो कुछ कहा है ये सरासर झूठ है, इल्जाम है, फरेब है, साजिश है। मैं जानता हूं कि सच के नाम पर सबसे ज्यादा झूठ अदालतों में बोला। आप कह चुके वकील साहब, अब मुझे कहने दीजिए। आप अपनी फीस के लिए लड़ चुके, अब मुझे अपनी जिंदगी और जमीर के लिए लड़ दीजिए। जनाबे वाला, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैंने किसी को कत्ल किया और सबसे बड़ा सच यह है कि आज मुझे कातिल कहने वाली हर जबान झूठ बोल रही है। वकील साहब की तरफ से पेश किए जाने वाले ये दोनों साहब को हाजिर नाजिर जानकर मुझे कातिल कह चुके हैं। दोनों पेशेवर गवाह, आज से परसों पहले इन्होंने मेरे बाप के खिलाफ भी झूठी गवाही दी थी और उस झूठी गवाही की फीस सेठ सरफराज ने अदा की थी जो मेरे बाप का उस वक्त पार्ट पर था और उसके बाद मेरे बाप की जायदाद के ऊपर कब्जा करके बैठ गए। जनाबे वाला, कत्ल के झूठे केस के अंदर उलझाने वाला भी मुझे सेठ सरफराज है, इसलिए कि ये जानता है कि मैं किसी वक्त भी अपने बाप की छीनी हुई जायदाद का मुद्दा पकड़ सकता हूं। जनाबे वाला, आपने जो चाहे सजा की, लेकिन खुदा के लिए इन झूठे गवाहों पर अदालतों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। न जाने इन
झूठे गवाहों ने कितने खानदानों को बर्बाद कर दिया है, कितने घरों को तबाह। मुझे और कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहना जनाब वाला। जनाब वाला, मुल्जिम अपने जज्बाती अंदाज से अदालत को भी धोखा देना चाहता है, मगर ये कानून की खुशकिस्मती और मुल्जिम की बदनसीबी है कि सेठ पाटलीवाला और मैडम बावरी की लाशें मिल चुकी हैं। मौजूदगी में मुल्जिम के खिलाफ किसी और सबूत की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाएगा। मुल्जिम सिकंदर, तुम पर जुर्म साबित हो चुका है, लिहाजा अदालत ये फैसला करने में कौन हो? आप नहीं जानते कि कातिल कौन है, यह सिर्फ मैं जानता हूं, इसलिए कि दोनों लाशें मैंने गायब की। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? जी हां, ये मरने वाले खुद बताएंगे गोली किसने चलाई थी और कातिल कौन है। बताओ अदालत को कि तुम पर गोली किसने चलाई थी। जय साहब, क्या बताऊं बापा, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे पे गोली चलाई थी, कौन समझे? मुझ पर जो कातलाना हमला असलम ने ही किया था। असलम को कातलाना हमले के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाए। ये दोनों कहां रहे और जिंदा कैसे बच गए, ये अदालत को मैं बताता हूं। जज साहब, असलम ने सेठ पाटली वाला को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को दरिया में फेंकने का हुक्म सुना दिया। खुदा ने मुझे उसकी जिंदगी का फरिश्ता बनाकर वहां भेज दिया। मैंने पाटली वाले की जिंदगी का इलाज मारने वाले की आंखों से छुपकर करवाया और उसकी जिंदगी बचा ली। जज साहब, इसी तरह मैडम बावरी को असलम ने अपनी गोली का निशाना बना दिया और जब असलम को यह पता चला कि मैडम बावरी अभी जिंदा है और पुलिस उसका बयान लेना चाहती है, तो असलम ने जेरे इलाज मैडम बावरी को अस्पताल से अगवा करने की कोशिश की।
कोशिश करूंगा कि इसकी जिंदगी बच जाए। इसका इलाज एक लाभ रहना चाहिए। अगर यह लाभ खुल गया तो चोर बोलने वाले चेहरे कभी भी नकाब हो सकेंगे डॉक्टर साहब। इन दोनों की मैंने रात दिन हिफाजत की, इनका इलाज करवाया और आज जिंदा अदालत के सामने पेश कर दिया। जैसा हाथ ये तो साबित हो चुका है कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। तो फिर ये दोनों कत्ल किसने किए? न मालूम ये मरने वाले कितनी जिंदगियों का सहारा थे, ये आदमी कितने बच्चों का बाप था, ये ममता किस मासूम की लोरी थी। पूछिए इन छूटे गवाहों से, इन बेगुनाहों का कातिल कौन कौन है? कातिल शराफत और सदाकत को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। जनाबे अली, जिंदगी में फर्स्ट टाइम सच बोल रहा हूं कि इन दोनों को सेठ सरफराज ने कत्ल किया है। हमने सिर्फ इनकी शक्लें बिगाड़ी हैं जय साहब। इन दोनों में से एक सेठ सरफराज का चौकीदार है और औरत उनकी नौकरानी है जय साहब। हम बहनों के कसूर हैं जय साहब। खुदा हम बेकसूर हैं। सरफराज को गिरफ्तार कर लिया जाए। सिकंदर को बाइज्जत फरीद किया जाए।